नमस्ते आज हम जानेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में डॉक्टर गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्राइटिस से डिनोट करते हैं इसके कारण क्या है गैस्ट्राइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है जैसे कि हम अपने पेट्स में कई बार डाइट प्लान करते हैं जब तो सडन डाइट चेंज करते हैं और कई बार कई डॉग फीडर्स ऐसे होते हैं जो स्पाइसी चीज़ें डॉग्स को खिला देते हैं जो कि डॉग कंज्यूम करने के बाद उसके स्टमक में वहाँ इन्फ्लोमेशन कॉज करता है तो जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकती है गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं सबसे मेन मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण वोमिशन आपका डॉग या आपका पेट कुछ भी खाएगा खाने के तुरंत बाद वो वोमिट कर देगा हो सकता है कई बार बाइल मिक्स वोमिशन भी हो और डॉग काफ़ी रेस्टलेस होगा इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है फीवर भी होगा तो आपका डॉग काफ़ी वीक हो जाएगा अगर हमारे पेट को गैस्ट्राइटिस होता है उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए चाहे स्मॉल एनिमल की बात करें चाहे हम लार्ज एनिमल की बात करें फ्लूड थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्लूड थेरेपी से उसकी सारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहेंगी फ्लूड थेरेपी के साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स जो कि इन्फेक्शन को कम करने में मदद करेंगे और एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शन के कारण फीवर हुआ है उसको कम करने में काफ़ी मदद करेंगे वो आप रेगुलरली कम से कम तीन से चार दिन जरूर दें तो डॉक्टर कुल्चन ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे एनिमल को गैस्ट्राइटिस हो ही ना गैस्ट्राइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ हमें अपने मैनेजमेंट जो हम अपने पेट्स की करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा उसमें सबसे मेन चीज़ आती है डाइट जब भी हम अपने पेट्स की डाइट चेंज करते हैं तो वो एकदम से ना चेंज करें अगर आप सडनली डाइट चेंज करेंगे तो वो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस पेट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है दूसरी चीज़ जब भी आप अपने पेट को कुछ भी फूड देते हैं तो आप ध्यान रखें कि वो स्पाइसी ना हो स्पाइसी फूड कई बार पेट में इन्फ्लेमेशन करता है अपने पेट की डिवॉर्मिंग आप रेगुलरली करवाते रहें क्योंकि कई बार ऐसा होता है वॉम लोड ज़्यादा बढ़ने के कारण पेट में इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है उससे बचाने के लिए डि प्रॉपर करें थैंक यू डॉक्टर गुलशन अगर आपके पास अपने पेट से रिलेटेड और सवाल है तो नीचे कॉमेंट करना ना भूलें थैंक यू